नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एबी डिविलियर्स के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को पक्का लास्ट तक देखिएगा। आरसीबी टीम से एबी डिविलियर्स के जाने के बाद सभी फैंस के लिए ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार बेबी डी जैसी बल्लेबाजी आरसीबी टीम के लिए कौन करेगा, कौन जो है फैंस को एंटरटेन करेगा एबी डिविलियर्स के नहीं होते हुए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि एबी डिविलियर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी टीम को एक छोटा एबी डिविलियर्स मिलने वाला है आईपीएल 2022 के ऑक्शन से। तो कैसे मिल सकता है ये खिलाड़ी, कौन है ये खिलाड़ी, क्या गेम है इस खिलाड़ी का, इसके बारे में डिटेल में सारी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो, डिविलियर्स के फ़ैन हो, तो वीडियो को दिल से एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उससे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज़ में इस समय आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के डीवॉल्ड ब्रेविस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डीवॉल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी देखकर लोग उन्हें बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से बुलाते हैं। यही वजह है कि आईपीएल की मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों की नज़रें जो है उन पर रहेंगी। जहां तक उम्मीद है कि आरसीबी की टीम ब्रेविस को खरीद सकती है। दरअसल डीवॉल्ड ब्रेविस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता के साथ आरसीबी की जर्सी पहने खड़े हुए हैं। ब्रेविस आरसीबी और एबी डिविलियर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ब्रेविस की इस फोटो के बाद सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि ब्रेविस आरसीबी टीम में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और वह इसके लिए उत्साहित भी हैं। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप में डीवॉल्ड ब्रेविस के बल्ले से शानदार पारियां देखने को मिली हैं, जिसमें उन्होंने छोटी उम्र में ही लाखों फैंस बना लिए हैं। ब्रेविस ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में 65, 104, 96 और 97 रन की पारियां खेली हैं। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी और कमाल के शॉट्स लोगों को उनका मुरीद बनाते हैं। ब्रेविस ने मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है, यानी कि वो ऑक्शन के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। उनका बेस प्राइस भी जहां तक उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कम होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आरसीबी की टीम उन्हें हर हाल में अपने स्क्वाड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स की कमी जो खल रही थी, शायद से ब्रेविस के आने के बाद वो पूरी भी हो जाए। हालांकि डिविलियर्स जैसी बल्लेबाजी तो कोई नहीं कर सकता, मगर दोस्तों वहां पर डीवॉल्ड ब्रेविस के बल्लेबाजी में डिविलियर्स की झलक देखने को मिली है। और कहा यह भी जाता है कि डिविलियर्स का उनके पीछे काफ़ी बड़ा हाथ रहा है उनको बनाने में। दोस्तों, आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन की नीलामी 12 और 13 फरवरी को की जाएगी। इस नीलामी के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों ने अपना नाम भेजा है। वहीं आरसीबी टीम ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है ऑक्शन से पहले, जिनमें पूर्व कप्तान विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और मैक्सवेल के नाम शामिल हैं। आरसीबी के पास इस समय जो है 57 करोड़ रुपए पर्स में बचे हुए हैं। तो दोस्तों, डीवॉल्ड ब्रेविस नाम याद रखिएगा, ये नाम जो है ऑक्शन के बाद हमें आरसीबी टीम के लिए 2022 से खेलते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीम इन्हें खरीदेगी, मगर दोस्तों चांसेस आरसीबी टीम के वहां पर ज़्यादा है कि वो इस खिलाड़ी के पीछे जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी फ्रेंचाइजर को आकर्षित जरूर किया होगा। इसलिए दोस्तों, सभी की नज़रें इन पर बनी रहेंगी। जो भी टीम चाहे इनको खरीद सकती है, मगर आरसीबी टीम का वहां पर चांस काफ़ी ज़्यादा है कि इन्हें वो खरीदे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।